वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के गेट नंबर 4 के पास अचानक मुस्लिम समुदाय के लोग जुटने लगे। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वहां मौजूद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कॉरिडोर के गेट नंबर 4 के सामने शांति से विरोध करना शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग अचानक से जमा होकर प्रदर्शन करने लगे हैं। दावों की माने तो मंदिर मैनेजमेंट ने एक सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक में फैसला लिया गया कि मंदिर के गेट नंबर 4 के पास एक और गेट का निर्माण किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में प्रवेश करने के लिए अक्सर गेट नंबर 4 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सावन में भक्तों की भीड़ को देखते हुए गेट नंबर 4 को टेम्पररीली बंद कर दिया गया है और उसी के बगल में एक और गेट बनाया जा रहा था। इस बात की जानकारी जैसे ही मस्जिद इंतजामिया कमेटी को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर शांति से प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि गेट जो लगवाए जा रहे हैं उसको लेकर मुस्लिम पक्ष को कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसके खिलाफ वो लोग मौके पर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इमरान जी, क्या समस्या है, ये क्या हो रहा है, पहले इसके बारे में बताइए और आप लोगों को क्या आपत्ति है? दरअसल 1.5-2 घंटा पहले ये जो रास्ता है, मेन रास्ता है, जिसमें मंदिर भी जाने वाले लोग हैं, मस्जिद भी जाने वाले लोग हैं, और ज़बरदस्ती बिना सूचना दिए ये गेट बनाने की तैयारी करने लगे हैं। दोनों साइड में ये गेट लगा दिए हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि इस गेट का जो खंभा है इसको हटाया जाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सवाल उठाया है कि कार्यपालक अधिकारी ने जो नया गेट लगाने का फैसला किया है उसको लेकर प्रशासन ने उन्हें कोई आदेश दिया है? अगर नहीं दिया है तो फिर अपनी मर्जी से गेट क्यों लगवाई जा रही है, वो भी उस स्थान पर जो कि काफी सेंसिटिव माना जाता है। स्थिति बन जाएगी और हमारा कहने का मतलब है कि कार्यपालक अधिकारी जो इस पूरे परिसर के जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या उनको शासन ने कोई निर्देश दिया है क्या, या फिर वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ऐसी जगह पर जो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्या उनको ऐसा करना चाहिए क्या, या अगर करने से पहले मस्जिद कमेटी को विश्वास में लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था? ये क्या फ्रेम हटाने की मांग आप कर रहे हैं आप लोग? भाई साहब, उन्होंने जबरदस्ती बिना सूचना दिए लगाया है, क्या बिना सूचना दिए हुए काम को उसको हटवाने की मांग करना मस्जिद कमेटी का गलत है क्या? वहां मौजूद लोगों से जब ये सवाल पूछा गया कि गेट लगाने को लेकर उन्हें किस बात का डर या शंका है, तो उन्होंने यूपी की योगी सरकार के मंसूबों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी सरकार की मंशा किसी से छुपी नहीं है, एक वर्ग के खिलाफ बहुत कुछ किया जा रहा है। देखिए, ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा किसी से छुपी नहीं है। एक वर्ग के खिलाफ जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा तमाचा दिया कांवड़ियों को लेकर, तो ये आपसे किसी से छुपा नहीं है। देखिए, ये एक विवाद को जबरदस्ती जन्म दिया जा रहा है। बेवजह का जो गेट खुला हुआ है, आपका गेट यहाँ बना हुआ है, गेट यहाँ बना हुआ है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं यहाँ गेट लगाएंगे, किस बात की सुरक्षा की बात करते हैं? हालांकि खबर लिखे जाने तक मंदिर मैनेजमेंट और प्रदर्शन कर रहे लोगों में एक म्यूचुअल कंसेंट बन गया था और गेट लगाने का काम भी रोक दिया गया, लेकिन वहां प्रदर्शन कर रहे लोग गेट के फ्रेम को भी हटाने को लेकर अड़े हुए हैं और धरना देने की बात कर रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।